रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय, आई लव यू। आज का टास्क देखना मत भूलना, क्योंकि आज फिर से होगा धमाल धमाल। बैरक हमारा भी गंदा हो गया आज। बैरक बहुत गंदा हुआ है। हाँ, तो आज झाड़ू भी मारना है। पता नहीं क्या क्या कचरा निकला है। आज झाड़ू भी मारना है और आज बर्तन भी धोने हैं। साइशा वैसे कोई काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, तो अभी वीक खत्म हो गया। मुनव्वर और साइशा दोनों को काम करना। मुनव्वर कहता है कि तो आज इनसे बर्तन घुसवाते हैं। हाँ, तो क्यों बोलना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा, नहीं बोल दे। अभी सोच लिया तो सोच लिया। एक दिन हम झाड़ू पकड़ेंगे, एक दिन बर्तन करते हैं दोनों। बाकी उनको बोलेंगे उधर से दो लोग पकड़। हम बाहर जाके देख रहे हैं क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, वही उनकी वेली बात है। पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं लोग। उसको बैठ के इतना आज मैं झाड़ू मार रहा हूँ पूरे घर में, पूरे बैरक में, पूरे कॉमन एरिया में। ठीक है, मैं ना सबके बेड लगा देता हूँ। हाँ। उसके बाद मार दे। ओके। तो बर्तन कौन करने वाला है? अभी बोलो इनको काम करने के लिए। अभी तो खत्म हो गया ना जजमेंट डे। आज खत्म हो जाता है, मतलब इनको बोलो करे। ये बैठ, इसको काम करना अच्छा ही नहीं लगता। जली हुई है तो बुझाना जरूरी नहीं। देखो क्या जली पायल फिनाले में पक्का जा रही है, बस उसी के साथ झगड़ना है और किसी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, नहीं क्यों है? बिकॉज वो रीजन देती है। रीजन आया तो हाँ। ये गया। जेलर साहब, आप नोटिस दीजिए कि जो टास्क में मुनव्वर और सैशा ने जीता है, अगले नोटिस तक थी। हाँ, इंडेफिनिट। फिर वो काम न करने का दर्जा खत्म हो जाए। तो जेलर साहब, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप नोटिस दीजिए, मुनव्वर और सैशा काम करे। जेल के अंदर कम कैदी है और जेल के अंदर कम कैदी है और ये कामचोर आदमी कम से कम 9वें हफ्ते में तो काम करे। तो मैं चाहती हूँ कि मुनव्वर की जनता देखे कि मुनव्वर भी काम कर सकता है। सारा टाइम बिस्तरे पे लेटा नहीं रहता, हॉस्पिटल की बेड, हॉस्पिटल की बेड की तरह जेल का माहौल नहीं बनाता। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ऑर्डर दीजिए कि मुनव्वर फारूक की बर्तन धोए, काम करे, बैठ के उसको रूम सर्विस नहीं मिले। कभी छाती दुख रही है, कभी का प्रॉब्लम है, कभी खांसी का प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप ऑर्डर दीजिए कि मुनव्वर फारूक घर में हेल्प करे, क्योंकि हम बैठ के अकेले काम नहीं कर सकते। ये सारे काम ये आदमी से करवा सकते हो। मेरा कैमरा हटाओ, बिल्कुल सही। कैमरा के सामने मैं बात कर रही हूँ ना दोस्तों, मतलब कैमरा के सामने आ चुका है शारीरिक। मुनव्वर फारूक की जिंदगी में तकलीफ है, मुनव्वर फारूक की जो बहुत ज्यादा काम में तकलीफ है, आपकी जिंदगी में तकलीफ है काम की, तो आ चुका है शारीरिक श्रम। इसको जीत के आप अपने दुश्मनों से अपना काम करा सकते हो। वैसे एक बात बताना, सुना पायल को खड़ा कर दिया जाए। चलो सबके बारे में 10-10 कमियां बताओ। हाँ, वो 50 बताएगी। क्या टास्क आ जाएगा उसके लिए? वो बोलेगी अरे मैंने क्या परफॉर्म किया, मैंने 50 बोले। ड्यूटी तो तुमको बोला है मत करो। ड्यूटी करने के लिए जेलर साहब ऑर्डर दीजिए। अभी एक हफ्ता हो गया, ये कामचोर आदमी अभी जैसे पता चलेगा 8 हफ्ते से सिर्फ बैठ के खा के मुफ्त की रोटियां खाते हुए मैं पैसे ले रहा हूं। अभी ये 9वां हफ्ता में इसको काम करने दीजिए। पैसे ले रहे हो? अच्छा, मुझे लगा तुमको तो इतनी वो अपना सो कॉल्ड स्टोरी बोर्ड बेचनी है, तो तुम पैसे लिए बिना ऐसे ही काम कर रहे होगे। स्टोरी बोर्ड बेचनी है तो मुझे तो मिलेंगे ही। अरे अरे, मुझे तो बहुत मिल रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी तरह सिंपैथी की स्टोरी बोर्ड नहीं बेचती। तेरे जैसा गेम प्लान तो मैंने देख लिया। पायल से आर्गुमेंट करने के लिए पता है क्या जरूरी? हाँ, सर फोड़ ले अपना खुद ही। पहले मुंह पे थप्पड़ मारता था, अब सर फोड़ ले। ठीक है, पहले मुंह पे थप्पड़ मारता था, अभी सर फोड़ ले। तुझे पता है पायल का जो माइक है वाटर प्रूफ है, क्योंकि वो इतना बोलती है कि माइक में आंसू आ जाते। हाँ हाँ, इतना बोलती है जिसको जाते समझ नहीं पड़ता। इलॉजिकल आदमी के साथ कोई बात ही नहीं कर सकता। खिलाड़ियों को मारने वाला, जमुरे आके आर्गुमेंट करेगा, रखने वाला जमुरे, जमुरे आके आर्गुमेंट करेगा।
बिकॉज तेरे को समझ नहीं पड़ता बंदर के साथ कौन आर्गुमेंट करेगा। ये है मुनव्वर फारूकी, ये एक नंबर का, यू नो, ये जमुरा। लग तो ऐसे रहे कि वो मदारी और वो बंदरिया। डन 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 डन। जिशान खान को मुनव्वर फारूकी ने निकाला है बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। मुनव्वर फारूकी को उसने बोला जो जिशान खान को उसने बोला कि जो कर रहा है वो सही कर रहा है। जमुरा क्या पलटी मारता है ना, जिशान को इसने स्ट्रॉन्ग प्लेयर बोला अभी, क्योंकि सबने बोला ना, जिशान खान सबने बोला ना, सबने बोला ना, तुम लोग पलटी मारे, तुम्हारे सेलिब्रिटी बोल रहे थे ना कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ये भी उनको जानते थे, तुम ही कह रहे थे अच्छा आदमी है, अच्छे आदमी से तुमने हिंसा करवा दी मुनव्वर फारूकी। तुम क्या समझते हो, तुम्हारी नौटंकी मुझे दिखती नहीं है, तुम्हारा माइंड गेम मुझे दिखता नहीं है, अच्छे इंसान से वायलेंस करवा दिया। मिलियंस लोगों को नहीं दिखा, इसको दिख गया, कैमरे को नहीं दिखा, जेलर को नहीं दिखा, कंगना को नहीं दिखा, किसको दिखा, इसको दिखा। फॉर श्योर सर, तू सोच 6:30 बजे कोई इतना चिल्ला रहा है सुबह सुबह। हाई एनर्जी। एनर्जी नहीं, डेस्पिरेशन। क्या दिस डेस्पिरेशन बोलते इसको? क्या बोला इसको? नॉट द डेस्पिरेशन टू विन, द डेस्पिरेशन फॉर अटेंशन। तेरी तरह सही चीज बोलना चाहती हूँ, सही चीज बोलना चाहती हूँ। जिशान खान को आजमा फल्ला का मेकअप तोड़ने के लिए मुनव्वर फारूकी ने मेरी आंखों के सामने बोला, ठीक है, ठीक है, अब होगा नागिंदा, ठीक है, एक बंदर एक नागे। इसने एक्चुअली जिशान खान को मेरे सामने आजमा फल्ला का मेकअप तोड़ने के लिए बोला, और फिर दूसरे मोमेंट जाके आजमा फल्ला से बॉन्डिंग करता है, और दूसरी तरफ जिशान खान को बोलता है हाँ तू मेकअप तोड़, उसने तेरा प्रोटीन तोड़ा है, तू मेकअप तोड़। तो फिर जब ये एक तरीके से प्रोवोक कर सकता है जिशान खान को, तो आजमा फल्ला की वजह से वो क्यों भाग गया? ऐसे दोस्त से तो दुश्मन बेटर, ऐसे ऐसे दोस्त से तो दुश्मन बेटर। देखा, अपने अंदर का क्रोध निकाल के लाओ, अपने अंदर का हिंसा निकाल के लाओ। बोर कर रहा है ना, तुम्हें करवाना पड़ेगा अपने हिंसा निकालने। बोर बहुत बदबू आ रहा है, ऑडियंस दूर रहो, दूर रहो, दूर रहने का, दूर रहने का, गर्म पानी से नहाता हूँ। हाँ, गर्म पानी से नहाते हो, रूम सर्विस मिलती है, पैर दबाए जाते हैं, बड़ी सेवा होती है। वाह जी वाह, और काम नहीं करना उसको जेल के अंदर, क्योंकि उसने टास्क जीता है पेटी बनाने का। हे भगवान, क्या पागल वागल हो गई है के? वो गई मतलब क्या? अच्छा मतलब है ही, और सनक गई है सुबह सुबह, पागल औरत। ये शो है जिस जेल में अच्छी पर्सनालिटी और अच्छे इंसानियत का, जो तुम्हारे में नहीं है, फिर तुम अपने दोस्त को खुद बोलते हो मेकअप तोड़ो, और अपने दोस्त को खुद प्रोवोक करते हो आसमा फल्ला के खिलाफ। तुम्हारा जैसा गंदा इंसान मैंने देखा नहीं है, मेरे से बात मत करो। मेरे को अभी मेरी आंखें खुली, पायल ने मेरे को बताया कि ये जेल एक अच्छी पर्सनालिटी का है। हाँ, मेरे को पता ही नहीं था, मैं खूब मैं फालतू में उसको कंपटीशन समझता था। पर्सनालिटी है तो तुम्हारे जैसे, मैं तो फालतू में इसको कंपटीशन समझ रहा था। बूम बाम भाई, बूम बाम, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी ये जो पर्सनालिटी है वो अच्छी पर्सनालिटी है। सुनो सुनो दुनिया के लोग, आ जाओ आ जाओ। He actually used to encourage Zishan if Shivam does something wrong. हाँ, ये बहुत प्रोवोक करता था, प्रोवोकेशन तो इसने बहुत करी है बेहद, बट वो क्या जनता को समझ नहीं आएगा, तो बोलती नहीं नहीं कर रही। बोला बोले ये शो है बढ़िया पर्सनालिटी का। मैं बोला अच्छा हुआ तूने मेरे को बताया, तो फालतू में तेरे को कंपटीशन समझ रहा था। तो अगर आप बोलोगे उसका मेकअप तोड़, तो फिर वो तो इनकरेज हो ही रहा है, बात खत्म। एक्शन तो वहां से आ रही है तोड़ने की, सब कुछ करने की, तो फिर इसके नाम से वो थोड़ा बाहर गया। सब कलेक्टिव एफर्ट्स था ना जिसकी वजह से जिशान खान। यार ये इसने मेरा राज खोल दिया, मैंने जिशान को बाहर करा है। शिट यार, इसने सब फिगर आउट कर लिया यार, मैं अभी नहीं। बिकॉज ये क्या करता है, ये मासूम फेस बना के बनता है कि मैं बहुत अच्छा टू गुड बॉय हूँ। इसका हिंसक साइड अभी तक बाहर नहीं आया। हम लोगों की जैसी पर्सनैलिटी है, चाहे अच्छी बुरी, गुस्सा करने वाली, ये करने वाली, वो सब बाहर आ चुकी है। इसकी ये अदर साइड अभी तक बाहर नहीं है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था इसको टिकट टू फिनाले मत दो, इसकी अदर साइड बाहर आने दो। मुनव्वर की जनता को देखने दो कि ये भी उसका साइड है, फिर भी वो उनको पसंद करते तो अच्छी बात है। जिसने जिसने काम नहीं किया है उसको रिपरकशंस मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे तो अब हम क्या करें बताओ।
जो तुम्हारा दोस्त पूरा सीजन बीमारी का बहाना बन करके बेड पे बैठा था। अरे तू उसको जाके पूछना, मुझे क्यों पूछ रही है? मुझे बता रहे लोग यहाँ पे बैठ के कि मुनावर से फिर आप मुनावर को सेव कर रहे थे कि मुनावर का नहीं ब्रिक लगना चाहिए, मुनावर का ब्रिक नहीं लगना चाहिए। मैं मुनावर को अभी भी बोलती हूँ, मैं मुनावर को अभी भी बोलती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बाहर जाके कैमरा पे बोल रही थी कि मुनावर इतना स्मार्ट है बंदा कि वो अपने इशारों पे इन लोगों को नचाता है। ये आजमा तो लिटरली कुछ भी बोल रही है जिसका कुछ हाथ पैर ही नहीं है। मैं उसको ए बोल रही हूँ, वो जेड पे जा रही है। वही करती है, वही तो बोल रहा हूँ करने। आई नो बट दिस इज ऑल्सो एविडेंट ना कि तुमको बस झगड़ा करना है, कुछ है ही नहीं, हाथ पैर ही नहीं है। विदाउट रीजन तुमको झगड़ा करना है, दिख रहा है। और कहाँ से घूम फिर के भी मुनव्वर कहाँ से आ गया? ये लोग हमको बोलते हैं ना, टेक्निकली ये लोग तेरे होने चाहिए वैसे। ये उनको मुनव्वर के बिना जिया नहीं जाता। हमको बोलते हैं ना, इनको बोलना चाहिए। वही तो तू सोच मुनव्वर अगर नहीं जा रहा लोगों से, तू अभी नहीं होता तो ये लोग किसका मतलब, ये तो मर गए होते। उसमें टैलेंट है उस बंदे में, वो डिजर्व करता है। जब एक बंदा इशारे में चार पांच लोगों को नचा सकता है, वो टास्क जीत के सेफ हो जाता है ना। अगर टास्क जीत के तुम स्मार्ट सारे खेलों मिलके उसको हरा दो या दो तीन जाने भी, तो उससे ड्यूटी कराने का सिम्बा मेरा है। जो भी है मुनव्वर कुछ भी करेंगे लोग, एट द एंड जाके मुनव्वर की चाटेंगे। तो उसमें वो टैलेंट है ना, इनकी गलती है, लेकिन उसमें टैलेंट है ना, उसका बेनिफिट है, मुनव्वर का बेनिफिट है। मैं उसको अच्छा प्लेयर समझती हूँ, वो इशारे पे जो सबको नचाता है, मैं उसको मास्टरमाइंड समझती हूँ मेरे हिसाब से। अगर आप विनीत को मुफ्त की रोटी का कहते थे, अली को मुफ्त की रोटी का कहते थे, जो अभी काम कर रहा था, सबसे ज्यादा मुफ्त की रोटी का टाइटल मुनव्वर फारूकी को जाना चाहिए इस घर के अंदर। वो समझता है कि काम करना इज बिलो हिम एंड देन ही वांट्स टू सेल सब स्टोरीज ऑफ बीइंग अ विक्टिम। बेड पे लेट के इसने पूरा सीजन गुजारा है, मरीज बन के पूरा सीजन गुजारा है, बिना थोड़ा कोई मरीज हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, सारा टाइम बेड पे पड़ा रहता है, कोई कच्चे धो रहा है ना। बेरोजगारी का जो ड्रामा करता है नफरत फैला के, ये ड्रामा मेरे साथ मत कर बेरोजगारी का, ठीक है ना। गुड बुक्स में आने के लिए मेरे पास काम नहीं है, काम नहीं है, ये सब ड्रामा मत कर। सबको पता है ये लोग, तुम लोग क्या ड्रामा करते हो, हमको काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, इतने दिनों से पड़े हुए हो इस शो के अंदर। देख लो गंद बाहर आ रही है, गंद नहीं सच्चाई आ रही है, पड़े रहते हो इस शो के अंदर, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो, बेरोजगारी का ड्रामा करते हो, गरीबी का विक्टिम कार्ड खेलते हो, ये सब मेरे साथ मत करना। एक तरफ बोलते हो मैं इतने बड़े घर में रहता हूँ, मेरा इतना बड़ा स्टाफ है, दूसरी तरफ दूसरा एंगल बेचना शुरू कर देते हो। ये किसने तोड़ा, क्या हरकत करते हैं ये ना, सच में। अब इनको बताऊं एक्सपेंसिव क्या होता है। छोड़ यार, अभी ऐसे लगा प्लान फेल हो गया ना। या क्या फेल हुए लोग, क्या प्लान फेल हुए। जिल्लत की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी। आजमा फल्ला ऑडियंस की फेवरेट, जिल्लत की जिंदगी जीते हुए। कोई कुछ बोल रहा था, जिल्लत की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी से अच्छी तुम्हारी बीमारी की जिंदगी। सही बात है, जिल्लत से अच्छी जिंदगी बीमारी की है। हाँ, बिल्कुल सच है ये तो। अरे ये बचकाने लोग सीखे भी ना आ जाते। जब बंदे की शक्ल सस्ते बकरे जैसी है तो बात बंदा ठीक कर लेता है, ना इसकी शक्ल ठीक ना इसकी बात ठीक, कुछ ठीक नहीं है। कैवियो, ध्यान से सुनो, आज के शारीरिक श्रम में तुम्हें खटिया बनानी है। यस, खटिया खड़ी करनी और खटिया खड़ी करनी है। ये शारीरिक श्रम चार चार कैदियों के दो ग्रुप्स में खेला जाएगा। अब कैदी आपस में बातचीत करके खुद को दो ग्रुप्स में बांटेंगे।
और अपना ग्रुप डिक्लेयर करेंगे। मैं नहीं उधर जा, मैं इधर हूँ प्रिंस। है, तेरे को जाना है, तू जा। तुम जा उधर। ठीक है। You know the carpenter skill. You have the skill. I don't know, but I can see the sample. You want to work? You want to do the task? Yeah. Then I'm on. You'll play the task. I'm ready. Yeah, बस बात करता चाहिए तो। तू आ ना भाई, मुझे तो पता है तू expert है भाई, बांधने मुंडले में तू खटिया खड़ी करने में तू expert है। क्या आता नहीं है, but वो देख के अपन बना सकते हैं। देख के हम बना लेंगे। कैदियों, अपना फैसला बताओ। मैं पूनम, साईशा और प्रिंस और ये अलग टीम है। ठीक है। नावर, शिवम, आजमा और पाई। प्रिंस जी को भी वहाँ पे खेलने दो। एक बार खेलने दो ना मुझे। आपने सामने खेलो ना। सही बात है, खेलो खेलो। खेलो ना, खेलने दो ना उनको। खटिया बनाने के लिए तुम्हें लकड़ियाँ, रस्सी और नायलॉन स्ट्रैप्स दिए गए हैं। पीछे रखे सैंपल की तरह लकड़ियाँ बांधकर खटिया का स्ट्रक्चर तैयार करना है। खटिया की मजबूती और क्वालिटी का टेस्ट उसके इस्तेमाल से होगा। खटिया पूरी करने के बाद ग्रुप का एक मेंबर उस पर लेट कर दिखाएगा। इसके बाद ही वो खटिया अप्रूव की जाएगी। ओके। पहली दो खटिया पूरी करने वाला ग्रुप जीतेगा एक्सक्लूसिव राशन आइटम्स और उनका अपना मिनी फ्रिज। इस श्रम पर टाइम लिमिट लागू है, इसलिए अपनी खटिया खड़ी करना शुरू कर दो। अबे तू उधर क्या चल रही है? एक तो बना ले पहले। इधर इधर वो नहीं। एक तो बना पहले। इधर पहले ये बना। साक्षा ये पकड़। जल्दी 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 इधर। ये वाला पकड़ बस। ये। बाहर की तरफ है। वो टच है अंदर। ठीक है। नहीं नहीं ये ले तीनों को ले। पायल इसको मेरे को सीधा चाहिए। छोड़ना। पारस भाई ये और एक्सक्लूसिव राशन के लिए है। कोई ड्यूटी वूटी के लिए तो है नहीं है जो इतनी तोड़म ताड़ी करनी पड़े। एंजॉय करते हैं ना इस टास्क को यार। ट्रबल मेकर हैं तो फिर तरीके से करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक्सक्लूसिव राशन है, आपको भी खाने को मिलेगा, हमें भी खाने को मिलेगा। एक सेकंड, फट क्यों रही है? मेरी हाँ मेरी फट रही है। मेरी मुझे डर लगता है। फट रही नहीं है भाई, स्किल का टास्क है। जो तेज करेगा वो जीतेगा। स्किल गाइस बनाओ। गलत बनाया, गलत बनाया। मैं बोल रही हूँ सुन नहीं रहे। कैसे? अरे वो अभी ऊपर का तो लगना तो है। बैलेंस खुद से होना चाहिए ना। खुद से बैलेंस खड़ा नहीं हो रहा बराबर। वो आज चेलों के साथ नहीं खेल रहे, खुद आज लीडर हमारे साथ खेल रहा है। सो प्राउड ऑफ मुनव्वर फारूकी। लीडर आज हमारे साथ खेल रहा है। आज में बढ़िया दिखा है मुनव्वर। वही मैंने बोला, गेम चेंजिंग मूव। आई लाइक दैट। तुम बनाओ, मैं तुम्हें जितवा दूंगा। मैं इनकी रस्सियां उठा लूंगा। ये वाला ये कैसे तो तू बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला हम लोग बनाने बैठ जाते हैं। तुम लोग बस करके बैठ जाओ। यस ठीक है। इसको सीधा कर जा, धीरे से करना, टूट जाएगा नहीं तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उड़कर नीचे का कर, थोड़ा बैलेंस हुआ है। नहीं नहीं टूट जाएगा, बस टूट जाएगा। अब हुआ है, बैलेंस हुआ है, मत कर। आ जा नीचे, ले लो उसको। हो जाएगी सीधी तो, हो जाएगी। फ्रेंड्स हम दूसरा स्टार्ट करें। अब दूसरे साथ कर रहे हैं। हाँ ठीक है करो। एक बार खोल दे क्या? अब तो किल भी मारा है। कुछ नहीं, किल तो निकल जाएगी एक मिनट। खोल भी सोच कर रहे, खोल दे। हाँ वो टाइम मिल जाएगा। वो टाइम लग जाएगा। मैं बोलती हूँ जैसे बच्चे बनाए हैं उसके ऊपर बैठ रहे हैं। इसको हम ऊपर ऐसे किल मार देंगे तो फिर आएगा ऊपर। हमने घुमाया नहीं भाई, खोल दे यार, फायदा नहीं। हाँ हाँ खोल दे। खींचो 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 खींचो। बस इस तरफ आओ। उसको बाद में समेट लेंगे, पहले ये न्यू वाले से बना लेते हैं। मैं सोच रही हूँ। सुन अभी ना स्ट्रक्चर पे एक जन खाली खड़ा रहे। कहाँ? स्ट्रक्चर ठीक कर। चल ठीक है। अभी ना बूम बाम। हाँ अभी पलटी मार एक। हाँ पहले टाइट कर। हाँ चले को टाइट कर। खींचो
बुमा बुमा बहुत खूबसूरत बुमा। चलो ऊपर से साइड के पट्टे आएंगे ना तब इसकी खूबसूरती का पता चलेगा। ध्यान रखना कि मेरा तेरे को कुछ नहीं होएगा, मेरे पे भरोसा रख। अंजलि बस कच्चा मार दे। ओके यस मुनव्वर फारूकी वी गॉट दिस। कैदियो खटिया पूरी करने के लिए अब कुछ वक्त ही बाकी बचा है। एक्ट क्विकली एंड स्मार्टली। एक रेडी कर लो बढ़िया। क्या बोल रहा हूँ? हाँ एक और बढ़िया ले लीजिए। सुपर रुको आपकी हो गई है ना, उसको प्रोटेक्ट करो अभी। हमारी एक रेडी हो गई है। हमारी एक रेडी हो गई। ऊपर बैठ के दिखाएं। पूनम बुम्बा प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट यहाँ पे खड़े हो जाए। यहाँ पे खड़े रहे बुम्बा खड़े रहे। एक खिल्ली मार दे यहाँ पे। लग्जरी बजट के लिए क्या बुम्बा प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट कर रखे भाई। अभी बन गया आपका लग्जरी बजट है प्रिंस, खाने दो हमें लग्जरी बजट प्लीज। इधर आपको साइड पे आओ बाजू वाला उठाओ। हाँ खींच टॉय टाइट कर। अभी नहीं उधर दे देना, उसको किला मारना पड़ेगा। उधर दे दे सेकंड वाले में। मैं मार देती हूँ थोड़ा ट्रबल करने तो आऊंगा ना। आज भाई तुम्हारी एक बन गई ना, एक एक ही बन गई दोनों की। उधर मत जा, उधर नहीं जा। सॉरी सॉरी भाई भाई ये क्या है? ये कैची काट इसको। काटना नहीं था अपने को। हां बस गुड। अरे हट मत कर। फिर बोलना मत, हिंसा हो गई। पहल करेंगे नहीं, तू छोड़ेंगे नहीं, साफ सीधी बात है। मैं तो काटा। सुन आप किल मार दे, किल मार दे। डॉक्टर को बुलाओ जा। डॉक्टर को बुला जा। इसने ये पागल शिवम ने मार दिया। मैंने नहीं मारा। वो भी चढ़ी मुझ पे, कैमरा कवर। वो चढ़ी मुझ पे। वो इधर थी, मैं उधर था। मैं उधर था। उसने पकड़ा मुझे। क्यों आया उधर? मैं बैठ गई हूँ। कैंची मत कर। कैंची रख। मैं बैठ गई हूँ। भाई भाई कोई हाथ लगा के दिखाए। भाई मैं खुद कैंची से बचा। अंधी आई ना तो मैं उसको धक्का दे दिया। कैमरा कवर फुटेज में चेक कर लो। किले दो तीन किले। हाँ देखो उसको अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी। शिवम शिवम यहाँ ध्यान देना इस पे। अंजलि पे वो लेके घूम रही है। हम तो प्यार से कर रहे हैं। घूम रही है, मारेगी क्या कैंची से? हमको मारेगी क्या कैंची से? वी आर डन। कैंची रख दे अभी। हां इसको बोलो कैंची रख दे। टाइम अप तो हुआ ही नहीं। हां तो फिर क्यों खींचा मुझे? पुनः पर प्रोटेक्ट। अच्छा मैं बैठ के तो देख लूं एक बार। हां ओहो मैं बैठ के तो देख लूं। अपने उस पे जाके बैठ बिठा लो। देखो आपको लगेगी आप जाओ। जो भी था अनइंटेंशनल था, उन्होंने कुछ पीछे होते उनको पकड़ लिया। उससे मुझे खींचे थे यहां पे कैंची थी, उन्होंने खींच दिया मुझे। मत 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 अरे 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 यार इसको कैंची रखने बोल दो। कैंची लेके आई है। इस पे भी विश्वास मत करो। नरुला पे भी विश्वास मत करो। उनका हक है तोड़ने का। वो अप्रूव करेंगे ना भाई? वो अप्रूव करेंगे ना?
भाई 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 अरे भाई रुक जा सुना कि नहीं सुना भैरी आ मैं तुम्हें याद दिला दूं तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है यस सर सबसे पहले आप बोलते हो और ये कैंची लेके घूम रहे हैं बस बस कोई कैंची तूने मारी है हां बैनर ही मारी है सौंपे गए टूल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है अब तुम्हारे पास कुछ समय ही बचा है डू योर बेस्ट शिवम तू प्रोटेक्ट करेगा तू और पाया भाई मैं जा रहा हूं यहां से मुझे ये लड़ रहे हैं मेरे को कुछ करना ही नहीं है भाई भाई मैं इसके चक्कर में फिलहाल नहीं आना चाहता प्रोटेक्ट मैं कुछ नहीं कर रहा मैं बैठा हुआ प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट कर मुझे खेलना ही नहीं है वो तो खुद खींचते हैं खुद ही कैंची लगवाए थे मुझे खींचोगे तो कैंची लगेगी मेरे हाथ में कैंची क्यों खींच रहा है मुझे हां बस आज बने फिर प्रोटेक्ट कर हम तुम आओगे हम तुमको मारेंगे हमारी सेफ्टी है भाई ये देखो ये होता है फिजिकल ऐसे प्रेशर लगा रही है सर तुम दो मिलके एक को नहीं रोक पा रही दो मिलके एक को नहीं रोक सकते तू इतनी बड़ी हिंसक है ये सबको पता है स्टार्टिंग में बूम बम को मारा था मिडिल फिंगर दिखाई थी हाँ पर तो मिडिल फिंगर में हिंसा होती है क्या अरे भाई शिवम क्या कर रहा है शिवम थप्पड़ रहते लग जाएगी मैं किसी को नुकसान हाथ हमारी खटिया से पीछे प्रिंस ये करेगा साले कुत्ते ये देखो उनको भी तो बचाना है अपने आप को ऐसे नहीं है छोड़ दो पूरी टेढ़ी कर दी है और फिर बोलते छोड़ दो मेरे को करना ही नहीं है टास्क सदा भुगत लूंगा अगली आइंदा से मैं कोई भी टास्क में पार्ट नहीं लूंगा इसको जो करना करे कैंची मेरे हाथ में तो खींचेगी तो लगेगा ही ना मुझे खुद को नहीं दिख रही कैंची मेरे हाथ में प्रोटेक्ट नहीं डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और हम पे इल्जाम लगाते हैं कि हम डिस्ट्रॉय करते हैं शिवम आजा मैं नहीं आता मैं पढ़ता ही नहीं वेरी गुड मेरे को नहीं खानी लग्जरी गुड्स मैं दो महीने नहीं खाया मैं और एक महीना और नहीं खाऊंगा मैं मरूंगा नहीं मेरे को ट्रॉफी चाहिए इन सब लग्जरी गुड्स चाहिए मुझे मेरे को नहीं चाहिए लग्जरी गुड्स लेकिन नहीं शिवम करो प्लीज प्रिंस प्लीज मत शिवम खाने दो हमको प्लीज प्लीज यार ये अलाउड है मैं कैसे गेम एडिटिंग में हूं यार लग्जरी खाने दो मैं कुछ गलत कर रहा हूं शिवम मैं किसी को मार रहा हूं दैट्स माय टास्क ना लग्जरी खाने दो शिवम प्लीज शिवम प्रोटेक्ट कर रहा हूं प्रोटेक्ट यार पकड़ा हुआ है तो पकड़ लो ऐसे अंदर खींच बस उतना कर पहले एक बात बोलूं स्लीप हियर स्लीप स्लीप नो नो सर इस तरफ रखो सर इस तरफ रख दो हाँ स्लीप यू वांट ट्रबल नहीं कर रहा तो क्या है इसे कहते हैं स्मार्ट गेम ही विल नॉट पुश वेल नहीं ये स्मार्ट गेम है यार आई नो यू भाई इसलिए मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा आई नो यू टाइम अप करिए सर हमारी बॉडी के ऊपर से जाना पड़ेगा जिसको अंदर जाना है नाउ अभी मुझे मेरा गेम खेलना है तो यहां पे प्रोटेक्ट कर यू स्लीप ओके हाँ ब्रो ध्यान दे अरे नहीं मैं खाली देख रहा हूँ नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं कोई जरूरत नहीं मैं देखने आ रहा हूँ नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं मैं देखने आ रहा हूँ मैं नहीं करूँगा देखने जाऊँगा अंदर मैं नहीं करूँगा फिर मैं देखने जाऊँगा अंदर चलो हाँ हाँ मैं खड़ा हूँ मैं नहीं करूँगा आ जाना नहीं नहीं खड़े भी हाँ मेरा बेबी इतना तो मेरा खुद हो गया चलो परफेक्ट इसको सुना दो इसको सुना दो आ जा मेरी लैला बनाओ गाइस हमने अपना साथी पकड़ लिया है पिज्जा छोड़ दो पिज्जा बचाओ मेरे को अजमा चलो 5 मिनट में अगर इन्होंने अप कर दिया ना अपन जीत जाएंगे इनकी जो पहली वाली बनी है क्वालिटी तो बहुत गंदी है इसको और कितनी बढ़िया कर सकता हूँ और टाइट कर रस्सी को टाइट कर सकता है तो अंदर जाने के लिए हमारी बॉडी पे से गुजर के जाना पड़ेगा कैदियो रुक जाओ और अपने मार्क्स पर खड़े हो जाओ हाँ स्लो स्लो
आ रहे ना हम, कह दियो। क्या लाइट वेट बढ़ी है मस्त। सच के तालिब लड़ते जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त कॉलेज। शारीरिक श्रम का टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। थैंक यू सर, हारे तो भी फकर से। इसके बाद दोनों ग्रुप्स खटिया बनाने में अब कोई मेहनत नहीं कर सकते। ओके सर। देखो खटिया बनाना और बचाना बोला, तोड़ने मना नहीं किया। इस शारीरिक श्रम का रिजल्ट तुम्हें कुछ देर में बताया जाएगा। ओके सर। जी सर। ओके। तब तक अपनी या सामने वाले ग्रुप की खाट बनाना या डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल सख्त मना है। पूनम, तुम अभी के अभी स्टोरेज यूनिट में जाओ। शेव गलती से लगा था, मैंने मारा गलती, उन्होंने मुझे खींचा, मेरे हाथ में था। एग्जैक्टली, कि बचाना और बनाना तुम्हारे हाथ में है। तो फिर कैंची को हटा के इधर आओ ना, मैं तेरे को लगी किसी को, तेरे को मैं धक्का मारा, आया धक्का मारा, धक्का मारा, उन्होंने कुछ नहीं किया। बोल रही हूँ गलती से हुआ है ना। हाँ तो फिर तो ये मत बोल, वो जल जानबूझ के आई एंड ऑल दैट यार। उन्होंने बोला है कि बचाना तुम्हारे अपने हाथ में है। फुटेज में दिख जाएगा क्या हुआ। हाँ जाके अभी से हुआ है, बोल रहे हैं ना। जब हम तेरे को बोल रहे हैं गलती से हुआ है। सबसे पहले तो ये कैंची लेकर आई है। No. अंजलि सबसे पहले आई कैंची लेके यहाँ पे। बुलोगन ने दो बार धक्का मारा है। सब देखा है कौन किसने पहले किया, क्या हुआ। अंजलि सबसे पहले आई, इससे पहले कि उसकी उंगली कट गई थी। वाओ, काटने की कोशिश की। दाहिनों का यही काम होता है, अपने दांतों से काटती है। क्या करेंगे अगर पक्की डायन है तो प्रूफ हो गया, दूसरी बार काटेंगे तुम्हारे को, चुम्मा देंगे क्या। अबे चल, तुझसे चाहिए भी नहीं, तेरे को देगा भी कौन, तेरे पे तो थूकेगा भी नहीं कोई। अभी कुछ मत करो, वो नहीं करे, मैं करने ही नहीं दूंगी। कट गया बेचारी का, मेरा हाथ काटने की कोशिश की, काटा जा हिंसा तू करती है, जा सॉलिटरी सेल में हिंसा तू करती है। सब लेकर इनको तुम्हारे को भी मजा तो आता है ना, इसलिए तुम चुप ही रहते हो। ये सुनने का मजा आता है, कोई मारा मारी करता है तुम बोलते हो क्यों जियो रुक जाओ, ये तो तुम्हारे को भी मजा आता है, मैं नोटिस किया। और जरा रूल वूल थोड़ा बनाओ, वो सांड को छोड़ो। और इनकी कोई 500 रुपए में भी नहीं लेगा, पर सांड हमेशा उस हक में रखी करता है। मैं कहा पकड़ना भी पड़ता है ना, टाइट कसना पड़ता है, तो दो लड़के की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मैंने साइशा ने बहुत अच्छा किया, पूनम ने बहुत अच्छा किया। डोंट नॉट इन दैट वे, साइशा स्ट्रांग ना यार, नॉट। अरे नो नो प्लीज डोंट गो इन दैट जोन। आई एम नॉट गोइंग। डोंट डोंट नो प्लीज डोंट गो इन दैट जोन। ठीक है तुम रेडी वन, मेरे को ऐसे हाथ रखना है अभी। पूनम ने पोपट पाला। I got a deep one, man. Show me your new popot. लगा था ब्लेड वाली। पूनम, show me your new popot. साला डीप वाली लग गई। Oh, your popot is so beautiful, show. अभी ऐसे आधे घंटे तक ऐसे ही घूमना पूनम। आपको ये बनाने के लिए दिया है, वो सामने वाले तरीके से बनाओ ना, हाथों से प्रोटेक्ट करो। मैं डिफेंस कर रहा हूँ, क्यों लेके घूम रहे हो वेपन? उसने बोला इंटेंशन नहीं थी तेरी, गलती से लगा है। क्या हो गया? जिसको लगी है वो कुछ बोल नहीं रही, जिसने जिसको नहीं लगी वो चीखी जा रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे आप लोग? और मैंने मारा नहीं इधर किसी को, कैंची मेरे को लगी है, मैं शांत बैठी ना, मेरे को शांत रहने दो, समझे क्या? ऐसे भी हो जाए भाई और बहनों, ध्यान से सुनो, कैची लगी और डीप कट हुआ है, मैं रो नहीं रही हूँ और रिएक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं मैं शांत बैठूंगी। ट्रू। प्रीफंड में बजना नहीं। हक क्या पूना? मैं बजना चालू की ना। हक क्या तुझे? हिलेगा तो मेरे को शांत रहने दो। तुमको अपना हाथ का ख्याल रखना है। जगह है, मेरे को शांत रहने दे। यस। अब तुम्हें ये चीज़ करने लगे ना? मैं थोड़ी कोई कुछ बोल रहा हूँ। स्माइल रख। डर लगता है हमको, रोते वक्त अच्छी नहीं लगती, तू रोया मैं डर लगता है, बड़ी खतरनाक।
तुम आराम करो बहन, जाओ तुम, या तो घर जाके आराम कर लो, कहीं तो आराम कर लो तुम, या तो घर जाके आराम कर लो, जिगर चाहिए, आराम कर लो बहन, या तो घर जाके या तो यहाँ आराम कर लो। बुम्बा टास्क गलती से के बीच में आप आंख पर चढ़ोगे। मैंने कुछ बोला क्या तेरे को आके? मैं हंस रही हूँ ना? नहीं बट ठीक, चलो थैंक यू सो मच यार। मैं मुंह नहीं लग रही हूँ पूनम पांडे के बाबा, उसके वो गंदे उसके मुंह कौन लगेगा उसको देख के, मुझे डर लग रहा है। ये वो द मम्मी है क्या इजिप्ट का? हाँ तुझे कैसे समझा? हाँ, क्योंकि तू है चुका है ना मम्मी, पूनम तेरे को लपेट देते फिर से। इजिप्ट में द मम्मी नहीं रहता, ऐसी खाट लग रही द मम्मी। ये तो मम्मी भी नहीं बनती, सोच कैसी होगी? बनाई दूं मैं मम्मी? टूट गई ना तेरी अम्मा, तू इन लोगों ने क्या खींच खाच के पूरी हिला दी। ये द मम्मी चुप बना इसकी। कैदियो अपने मार्क्स पर आकर खड़े हो जाओ। रुक जा भाई, हाथ निकाल लेते, मालूम पड़ा प्रिंस भाई कुछ उंगली करेंगे। हाथ तो चाहिए बाहर प्रोटेक्ट करने को। अरे रुक मम्मी। कैदियो अब समय है खाट की मजबूती और उसकी क्वालिटी को चेक करने का। दोनों टीम से एक एक कैदी अपनी बनाई हुई खाट पर लेट कर दिखाओ। उधर चलो लेट जाओ। ये लो छोड़ दो। हाँ छोड़ छोड़ दो छोड़ देते हैं, कुछ नहीं होगा, आराम से। हाँ कुछ नहीं होगा पूनम, कुछ नहीं होगा, कम ऑन पूनम। बस ज्यादा लेटी रहा मोशीगिरी मत कर, लेटी रहा। क्या बात है, टेढ़ी पलंग, एकदम स्लो। वाह क्या बात है, क्या बात है। पायल आराम से, आराम से रिलीज योरसेल्फ, रिलीज योरसेल्फ सर, रिलीज योरसेल्फ। इतने नीचे ओए टेढ़ी होगी खटिया की, क्वालिटी चेक करो। बंदे ने लेट के दिखा दिया, लेट करो बस, हाथ ऊपर कर दो, हाथ ऊपर। यस कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, एक साइड से ऐसी जा रही है, एक साइड से ऐसी जा रही है। कैदियो रुको, अब एक ग्रुप से शिवम और दूसरे ग्रुप से प्रिंस अपनी अपनी खाट पर लेट कर दिखाएंगे। चलो सर बैठ जाइए, आराम से सर लेटिए, आपने ही बनाया सर। वाह प्लीज जय शंभू, ये आराम का लेटिए, आराम से आप। ज्यादा शिवम क्या बात है, ए उधर जाओ चलो, हमारी सेक्शन में मत आओ। फुल पावर, फुल पावर। देखो हमारे का पूरा बॉडी का वजन भी नहीं दे पा रहा आदमी, पूरे बॉडी का वजन है, पूरा बॉडी का वजन है, पूरा लेटा हुआ है। वो डाइव हमारा पहले हुआ था, वो सैंपल जैसा ही लग रहा है। वाह मशीन आ गए, ओ नारियल क्या बात है, कॉफी आई है, काफी कॉफी आई है यार इस बार तो। कैदियो अपने मार्क्स पर खड़े हो जाओ। आजमा इधर आओ। इस शारीरिक श्रम में दोनों ग्रुप्स को दो दो खाट बनानी थी, दोनों ग्रुप केवल एक खाट ही बनाने में सक्सेसफुल हुए हैं। यस सर। फिर भी तुम्हारी खाट की क्वालिटी और मजबूती को देखकर जेलर ने यह फैसला लिया है कि इस श्रम में मिलने वाले एक्सक्लूसिव राशन आइटम्स और अपना मिनी फ्रिज मिलेगा मुनव्वर शिवम आजमा और पायल के दोस्त। अरे अब तो मिल गया दो दोस्त, अरे 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 अब तो मिल गया, अरे दादा अब तो मिल गया, पानी दिन 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 एक्सक्लूसिव राशन मकरी वेज नूडल और पास्ता, अरे पास्ता भी है इसमें, पास्ता भी आया है, किसको खाना है पास्ता? आओ मैं बनाता हूँ पास्ता, पास्ता पास्ता है। तुम्हारा फ्रिज जल्द ही तुम तक पहुंचा दिया जाएगा। मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मजा आया ना? हाँ बस टास्क मजा के लिए हमारी विनर आज की ये है बॉस। ये मैं फ्रिज में भी प्रॉब्लम कर दूं, तार काट दो फ्रिज की। फ्रिज की तार भी तो कट सकती है। हाँ। ओ शिट भाई कुछ टॉफी वॉफी नहीं है क्या? ओ ये क्या? अच्छा क्या है वो? सारे दूध में डाल के खाएंगे, बस बढ़िया इंतजाम हो गया हमारा। नहीं है ना, आराम से खाओ। खोल भाई खोल, क्या पास्ता? ये पास्ता आ गया, पास्ता खिलाऊंगा पूरे हिंदुस्तान को बेटा। यम्मी फ्रेश क्रीम भी मिली हमें, पास्ता मैं बनाऊंगा, क्रीम पास्ता बनाऊंगा, क्रीम पता है किसको ज्यादा अच्छी लगेगी, ये ब्रेड
साथ। ये ब्रेड चेक करो। पिज्जा बना सकते हैं। ये पिज्जा का आइटम है। बड़े पिज्जा का आइटम है बट ओवन ये ना। ओवन ही तवे पे बनाएंगे। तवे पे बनता है ना। मेरे को आता है बनाना। यार लग्जरी आइटम से आपको फर्क पड़ रहा है? नहीं आपको मजा आना चाहिए। लोगों को मजा आना चाहिए। बाहर भी नहीं हम कि अभी हमें लग्जरीज मिले। हार जीत से फर्क पड़ता है बस। हमें चाहिए बाहर जाके मिले। तू बता प्रिंस तेरे को तू भी कभी यू वांटेड टू विन आल्सो यू वांटेड दैट आल्सो आल्सो ऑलवेज वांटेड टू विन पर आल्सो हमेशा तुम नहीं जीत सकते। एग्जैक्टली वो मैं वही बोल रही हूं वी वांटेड टू विन आल्सो। अरिना आने दो अरिना आने दो अपने अगेंस्ट सारे रखूंगा सब फोड़ूंगा। आओ टीम टीम खेले। हाउ आर यू फीलिंग बेटा? पैक डोंट टेक बेटा बोले पेन किलर दिया मेरे को नहीं लेना बोला मेरा कुछ नहीं देख रहा था आइटम्स क्या क्या है। ऑडियंस क्या बोलेगी पता है? मुनव्वर ने दिखा दिया एनिमीज के साथ रह के भी वो खेला तो अच्छा है अच्छी बात है। वो लोग दुश्मन ही है मैं अभी भी वो दुश्मन ही है मेरे दुश्मन ही वो लोग एक टास्क में वो लोग मेरे दोस्त नहीं बन गए। वो लोग क्या उन लोग मेरे को कितना पर अच्छा हुआ मैं इनके साथ हूँ। अगर मैं उनके साथ होता ना तो मैं दो सेकंड में नहीं मैं तुम्हारा ये सारा उठा के पहले फेंक देता। ये देखो तुम बना ही ना पाते। हाँ तो फिर हम भी कहाँ बनाने देते हैं। मैं तो उधर ही चालू हो जाती आप रेंज क्या चाहिए बोल ये आ जाता सामने मैं तो सीधा मेरा तो नृत्य चालू हो जाता। आप चल खटिया खड़ी करती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि तुम बात करी थी ना तुमने बोला ना हमारे में कोई टाइम तो उसने बोला ना ठीक तो सही दो लड़के रहते तुम और साई जो पायल मैंने सुना नहीं तुमने मुझसे कहा था पर मुनव्वर ने सुना ये बात को और उसको भी बुरा लगा इस बात को लेकर। तुमने साइशा को क्या बोला कि तुम दो लड़के थे एक टीम में? हाँ आपने क्या बोला कि आप भी तो दो लड़के थे एक टीम में? मेरा उस हिसाब से बोलने का तरीका नहीं था। ठीक है आप इस बात को मुद्दा मत बनाइए। मुद्दा नहीं बना रहा। आप इस बात को मुद्दा मत बनाइए मुनव्वर फारूकी। आपने जो वर्ड आपने बोला कि इस टीम में दो लड़के थे तो आई सेड कि ये भी स्ट्रॉन्ग है साइशा भी लड़के जैसी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने वैसे बोला था। ठीक है लड़के जैसी आपको पता तो है। हाँ मेरे को एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं पता। इसका गंदा मुद्दा मत बनाइए। बहुत ही चीप मुद्दा है मुनव्वर फारूकी। बहुत ही चीप मुद्दा है। बेशर्मी की भी हद है। यू आर रियली सो दो लड़के क्लैरिफिकेशन की भैया आपकी टीम हार गई क्योंकि इस टीम में दो लड़के थे तो आई सेड साइशा इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। अब मेरा एग्जैक्ट फ्रेज कैमरा पे गया होगा। आई एम नॉट गोइंग टू कोट अगेन एनीथिंग राइट नाउ एंड इफ मुनव्वर फारूकी इज यूजिंग दिस एज अ गेम प्लान। प्रिंस भाई सबके सामने बोल रहा हूँ अगर मैं वर्ड टू वर्ड नहीं बोला I'll walk out of this. हाँ तो walk out of this show तो मैंने भी जो बोला है नहीं अगर मैं जो बोलने जा रहा हूँ हाँ बोल वो word to word नहीं हुआ हाँ तो you walk out of the show walk out बोला क्या मुझे तेरा side भी सुनना ही है। I am not saying anything wrong. It is not a crime. It is not a crime. I would like to hear it. बोला से पर आप उठा चुप पता करो who cares प्रिंस भाई बैठे हुए और इतने बोला प्रिंस भाई ने बोला कि अरे वहाँ पे दो तुम लोग में दो लड़के थे। किसने बोला तुम लोग में भी तो दो लड़के थे एक तुम और एक साइशा। तो मैंने मैंने ऐसे देखा मतलब पायल तो हंसी पहले मैं बोला डोंट डू दैट तो इट्स लाइक अरे आई मीन दो लोग स्ट्रांग थे ना प्रिंस और साइशा तो आई लाइक डोंट गो दैट डोंट डू दैट आई एम सॉरी मैंने गौर नहीं किया उस टाइम तो उसने ये बोला मैं ध्यान नहीं दिया। नो नो आई डिडंट मीन दैट डोंट ड्रैग इट डोंट ड्रैग इट डोंट ड्रैग इट तो उसने बोला तुम लोग की टीम में भी दो लड़के थे एक प्रिंस और आई एम नॉट अब्यूज समबडी यू वांट टू हियर हिज वर्जन हियर हिज वर्जन नोबडी विल गिव मी मोरल पॉलिसिंग आई हैव नॉट अब्यूज्ड एनीबडी दे वर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन डिड यू से वहां पे भी दो लड़के हैं। एक्सक्यूज मी देखिए मुझे अभी एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं याद है तो लेट इट गो ऑन द कैमरा लेट द ऑडियंस डिसाइड। बात खत्म हो गई। अगर फॉर मी यू आर स्ट्रांग लाइक अ मैन मैंने जो बोला इफ यू सेड समथिंग लाइक वहां पे भी दो लड़के हैं साइशा शिंदे प्लीज अंडरस्टैंड राइट नाउ मेरा फुल नाम लेने से कुछ चेंज नहीं हो रहा। एक्सक्यूज मी आई स्टिल कंसिडर वेन एवर यू प्ले द गेम यू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन यू आर अ वुमन नाउ बट यू हैव एक सेकंड मेरे नहीं नहीं मेरे पास एक पॉइंट है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन एंड अ स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन बिकॉज़ इफ आजमा इज देयर एंड यू आर देयर एंड देयर इज टू टास्क वेयर इट हैज टू सुबह मैंने जब पेंच लगाया इसके साथ स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन क्या होती है और स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन क्या होती है और ये इसको साइशा को लड़का बोल दिया मुझे समझ में नहीं पड़ा कि तूने किस हिसाब से रिकॉर्ड किया। कभी कभी है ना जोश में बहुत उल्टा पुल्टा बोल देती है उसको कोई होश नहीं रहती है। जो मैंने वर्ड बोले ना अगर वो वर्ड टू वर्ड दिए ना आई विल वॉक आउट। देखो तुमने जो बोला मत बोल
मुझे गलत लग रहा है जो उसने बोला बहुत कैसे बोला मालूम है आप में भी तो दो लड़के थे आप और साइशा तो मैंने ऐसे देखा मतलब दो तो इस तरह कैसे किया माय पॉइंट इज जो तूने पहले वाली लाइन बोली वहां दो लड़के हैं मुझे उससे प्रॉब्लम है अगर वो तूने नहीं बोला है अगर वो तूने नहीं बोला है तो मुझे पता चल जाएगा बात खत्म पता चल भी जाएगा तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन एंड यू कांट से दैट बिकॉज़ आई डोंट रिमेंबर द स्टेटमेंट आई सेड व्हिच इज व्हाई आई एम सेइंग द स्टेटमेंट मेरे सामने आएगी तो मैं बोलूंगी नहीं आई है ना साइड बस जब आएगी तो आएगी स्टेटमेंट बात खत्म बस I have never disrespected you, and if this guy wants to make it a mudda, that shows his ochi thought. Simple as that. क्या बोला था exactly? कुछ तो भी आपने उसको बोला था वहाँ पे तो दो लड़के हैं ऐसा कुछ बोला था। देखो अच्छा मैंने अगर कोई भी शब्द का प्रयोग किया हो मेरे लिए से निकला है वो मैं मानती हूँ मेरा अगर कोई भी शब्द का प्रयोग हुआ हो मेरा इंटेंशन क्लियर था कि प्रिंस नरूला विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता कि वो हारा बिकॉज उसकी टीम के अंदर दो लड़के नहीं थे मेरा कहने का मतलब था आपकी टीम के अंदर साइशा थी एंड साइशा हैज फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल वेल बिल्ट लाइक अ मैन ऑल्सो सो आप वो एट्रीब्यूट लाइक अ मैन ऑल्सो भी मैं अभी अभी मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैंने स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन भी गलत है ये लाइक अ मैन वो स्ट्रेंथ भी लाइक अ मैन नहीं बोल सकते आप किसी बट ये मेरी थॉट प्रोसेस थी आई फील अगर तुमको और शिवम को खड़ा कर जाए स्ट्रेंथ के उसमें तो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ अभी आप बच्चा पैदा कर सकते हो शिवम बच्चा पैदा नहीं कर सकता देयर आर फिजिकल एट्रीब्यूट्स टू अ मैन एंड अ मैं बच्चा पैदा कर सकता हूं पायल को मैं ही में करके बोल देती हूँ उसको पता चलेगा कैसे होता है हिल जाओगे आप अंदर से पायल अगर इधर बैठी है ना समझो ये पायल है आप मैं बोलूं चलो ही हैज टू फिनिश हिज फूड ही हैज टू दिस ही हैज टू दैट तो समझेगा उसको मैं कह रहा हूं लड़की को भी नहीं बोल सकती क्यों नहीं वो प्राउड है यार मैं बोल ही बोल रही थी फिर तुम इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हो यार तुम किस हद व्हेन यू से शी इज नॉट शी इज एज स्ट्रांग एज अ शी इज एज स्ट्रांग एज अ मैन मतलब व्हाट यू आर सेइंग वुमेन आर वीकर मैं तो लंबा होने तो छोटा लगता हूं औरतें बहुत स्ट्रांग होती है साइशा Yes. I'm proud of your friend. Thank you. And I love you. Me too. तो मेरा कहने का जोन था that her built is strong enough like a man. तो आप प्लीज प्रिंस नरूला ये मत बोलो कि स्ट्रेंथ की वजह से आप हार गए. स्टेटमेंट भी थोड़ी गलत लगती है. सेक्सिस्ट कमेंट है ये. अभी देखो मैंने देखा है जिम जो करती है. कन्वर्ट हुई है ना इसलिए उसको ज्यादा सक्सेस लगेगा. हाँ. When Karan comes, when the jailer comes, all eyes are on that day. Yeah. Yeah. I want her to be apologetic or humiliated on that day. मेरा intention वैसे नहीं था man woman को कहना क्योंकि इस game में तो सब equal है man और woman दोनों equal है मतलब मैंने कम वर्ड का इस्तेमाल किया है या इस तरह से वर्ड का इस्तेमाल किया है जिस तरह से गलत मीनिंग गया है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से साइशा शिंदे से साइशा शिंदे के फैमिली से उसके फ्रेंड से बिकॉज कहीं भी मेरी थॉट प्रोसेस वैसी नहीं है यह आपको भी पता होनी चाहिए मैं गेम खेलूंगी उसके साथ एज अ कॉम्पिटिटर मगर मैं इस जोन पे जाके गेम नहीं खेलूंगी